टेक्नोरूज में आपका स्वागत है और आज आप सभी लोगों को मैं टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में बताऊंगा जो हमें इंडिया में जुलाई के महीने में देखने को मिलने वाले हैं। बात ये दोस्तों कि जून में इतने सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए कि मैं आपसे क्या बताऊं, काम भी इतना था लेकिन मजा भी उतना आया। जुलाई में दोस्तों आपको और भी कमाल के स्मार्टफोन्स देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन याद रखना है आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताना कि इनमें से आप सबसे ज्यादा कौन से स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे हैं। अब जरा नर्वस नहीं करते, सबसे पहला जो फोन है जो उम्मीद है कि इंडिया में जुलाई के महीने में लॉन्च होगा और वो है इन्फिनिक्स का नोट 7 सीरीज वाले फोन्स। अभी हाल ही में लॉन्च हुए थे जिनमें आपको हीलियो G70 वाला प्रोसेसर मिलता है, क्वाड कैमरा है, साथ में आपको डुअल स्पीकर मिलते हैं, बढ़िया सी डिस्प्ले है। तो ओवरऑल दोस्तों काफी डिसेंट स्मार्टफोन है और इंडिया में भी दोस्तों ये फोन जुलाई के महीने में आ सकते हैं और इनकी जो प्राइस होगी वो 10,000 से 12,000 या 13,000 के बीच में हो सकती है। फाइनली ये पहला ऐसा इन्फिनिक्स का फोन होगा जो पर्सनली मुझे इतना पसंद आएगा जिनको मैं रियलमी या शाओमी से कंपीट कर सकता हूं। देखते हैं दोस्तों क्या खास होता है और कितना जल्दी और क्या प्राइस पर आता है, जो तुम्हें थोड़े दिनों में ही पता चलेगा। Asus भी दोस्तों इंडिया में जुलाई के अंदर अपना एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। हाईएस्ट पॉसिबिलिटी यही है दोस्तों कि वो ROG फोन 3 होगा, जो अभी पोस्टर भी उसका ऑफिशियली निकल गया था तो चाइना में लॉन्च होने वाला था। यही फोन हमें इंडिया में देखने को मिलेगा जुलाई के अंदर, 1000% मैं आपको कंफर्मेशन दे रहा हूं। अब ये Asus ROG फोन 3 है या Asus 7Z या जो भी है, लेकिन एक पावरफुल फोन आपको Asus की तरफ से जुलाई के अंदर मिलेगा। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं, बस इनकी प्राइस देखने क्या रखते हैं क्योंकि ये नॉन चाइनीज भी है और प्राइस भी काफी ये लोग एग्रेसिव रखते हैं। क्या आप एक्साइटेड है दोस्तों, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यहां पर Vivo भी दोस्तों इंडिया में, ये तो कंफर्मड है, Vivo के इंडिया के जो CEO है Jeremy Chan, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया था कि X50 सीरीज वाले फोन्स इंडिया में वो लोग जुलाई में लॉन्च करेंगे। अभी हाल ही में दोस्तों ये फोन्स चाइना में लॉन्च हुए, काफी प्रीमियम स्मार्टफोन्स है, आपको स्नैपड्रैगन 765G है, फिर हाईएंड वेरिएंट में स्नैपड्रैगन 865 है और एकदम जबरदस्त क्वालिटी का आपको कैमरा मिलता है, एकदम जबरदस्त डिस्प्ले है। तो ये स्मार्टफोन्स इंडिया में आएंगे, अब क्या प्राइस पर होगा, ऑब्वियसली ये तो महंगा ही होगा, 30,000-40,000 के ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। Vivo X50 सीरीज इंडिया में आएंगे जुलाई के अंदर और मेरे पास भी आएंगे अनबॉक्सिंग के लिए। इनके बारे में जो भी कहना है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में Oppo Reno 4 सीरीज इंडिया में जुलाई के महीने में लॉन्च होने वाले हैं, ये भी कंफर्मड न्यूज़ है जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि Vivo X50 कंफर्मड है, ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं कंफर्मड है दोस्तों, और ये हाल ही में चाइना में लॉन्च हुए थे दोस्तों। इनमें स्नैपड्रैगन 765G वाला प्रोसेसर था, बढ़िया डिस्प्ले मिलती है, बढ़िया कैमरा है, सब कुछ कमाल का आपको मिलता है और वहां पर 30,000 से प्राइस स्टार्ट हुई थी तो थोड़े एक्सपेंसिव थे। अब इंडिया में पता नहीं क्या प्राइस पर आपको ये मिलेंगे। तो Reno 4 सीरीज भी इंडिया में आ रही है दोस्तों, आएगी, देखते हैं क्या प्राइस पर होता है, मैं आपको जरूर से इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद OnePlus को हम कैसे भूल सकते हैं, मुझे लगता है इन सारे स्मार्टफोन्स में से ज्यादातर लोग सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए एक्साइटेड है तो वो OnePlus के नए फोन के लिए। ये इंडिया में दोस्तों जुलाई के महीने में आएगा और अफोर्डेबल रेंज में आपको मिलेगा, मतलब 25,000 के आसपास हो सकता है क्योंकि OnePlus हमेशा प्रीमियम फोन लॉन्च करता है, ये थोड़ा मिड रेंज टाइप आपको देखने को मिल सकता है। क्या होता है दोस्तों, कितना जल्दी आता है और क्या प्राइस होगी, ये तो हमें जुलाई के अंदर ही पता चलेगा। वैसे Realme भी इंडिया में अपने C11 और 6S ये दोनों स्मार्टफोन्स को लॉन्च करेगा, ये भी कंफर्मड न्यूज़ है दोस्तों। अपकमिंग फोन्स में भी बहुत सारी चीज आपको बताई देता हूं पहले से कि कंफर्मड है कि नहीं है, ये कंफर्मड है दोस्तों। Helio G35 है, थोड़ा पीछे डिफरेंट डिजाइन है, डिफरेंट कैमरा लेआउट है, तो ये इंडिया में जुलाई में आएगा, आपको अराउंड 10,000 या उसके नीचे मिलेगा। और 6S भी दोस्तों आपको मिलेगा, मे बी शायद ये यूरोप में लॉन्च हुआ था, आई थिंक ये वही फोन है जो इंडिया में आपको मिलेगा, ये 10,000-12,000 के आसपास हो सकता है, हाँ ऐसे लगता है। तो ये दोनों फोन भी आएंगे दोस्तों, देखते हैं कि क्या प्राइस पर इंडिया में लॉन्च होते हैं। यहां पर दोस्तों Motorola भी आजकल फुल जोश के अंदर है, Motorola ने इंडिया में काफी सारे फोन्स पीछे लॉन्च किए लेकिन उनमें से सबसे बढ़िया फोन जो मुझे लगा वो Motorola का One Fusion Plus है जो अच्छी प्राइस पर आया है। अब दोस्तों 7 जुलाई को ग्लोबली तो Motorola अपने नए फोन को लॉन्च करेगा, अब ये Motorola का एज लाइट होगा या Motorola One Fusion होगा इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन दोनों में से कोई एक फोन लॉन्च करेगा और जुलाई के महीने में ही हमें ये फोन इंडिया में भी देखने को मिलेगा। मुझे लगता है शायद एज लाइट हो सकता है या हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है और वन फ्यूजन भी हो सकता है, मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता हूं, लेकिन देखते हैं दोस्तों। Motorola का भी एक नया फोन आएगा जो जुलाई में हमें इंडिया में देखने को मिलने वाला है। यहां पर दोस्तों Redmi Note 9, Redmi 9A, Redmi 9C काफी सारे फोन्स अभी पेंडिंग है Redmi के इंडिया में लॉन्च होने के लिए, सिर्फ Redmi Note 9 Pro और Pro Max हमें मिले, ये बाकी के सारे फोन्स हमें जुलाई में देखने को मिल सकते हैं। मतलब अनाउंसमेंट वो लोग कर देंगे और जुलाई में Redmi के अफोर्डेबल रेंज वाले स्मार्टफोन्स आएंगे, जो Realme C11, Realme Narzo 10A
Realme Narzo 10 इन सबसे कम्पीट करने के लिए आएंगे, जो बहुत ही मजा आने वाला है। देखते दोस्तों क्या खास होता है और कितने जल्दी कौन से फोन Redmi के जुलाई में आते हैं, तो हमें थोड़े टाइम में ही पता चलेगा। लेकिन साथ में दोस्तों Redmi का फ्लैगशिप फोन भी आ सकता है, Redmi K30 Pro, जो बहुत पहले मनु कुमार जैन ने कंफर्म किया था। इसके बारे में हमें कुछ सुनने को नहीं मिला था, लेकिन ये भी जुलाई के अंदर आ सकता है, जो ग्लोबली पोको F2 Pro बन के गया था। Redmi K30 Pro भी आ सकता है, शायद जुलाई में हमें इसके बारे में कुछ पता चले। और फाइनली दोस्तों, फाइनली हम कैसे भूल सकते हैं पोको को। जी हाँ, पोको M2 Pro दोस्तों बताया जा रहा है कि जुलाई के महीने के अंदर इंडिया में आ सकता है। हालांकि उन्होंने ऑफिशियली तो इसके बारे में कुछ नहीं बताया, बस हिंट दिया है कि पोको जो F1 है और पोको X2 है, जो मेड फॉर इंडिया, मेड इन इंडिया के बारे में उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया, बहुत कुछ दिखाया। तो इससे यह पता चल रहा है कि एक नया फोन पोको का हमें इंडिया में देखने को मिलेगा, और यह शायद पोको M2 Pro हो सकता है या मे बी पोको F2 हो, जो जुलाई के महीने में हमें इंडिया में देखने को मिल सकता है। कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों पोको का भी एक फोन आने वाला है जो हमें देखने को मिलेगा। वैसे जरूर से बताना दोस्तों, ये सारे फोन्स मैंने आपको बता दिया, इनमें से आप सबसे ज्यादा किसके लिए एक्साइटेड है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं OnePlus के नए फोन के लिए और Poco का नया फोन के लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूं, और Asus के लिए भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों लाइक करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।